तो गाइज यहाँ पर ऑनर 9X Pro फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये जो स्मार्टफोन है ना ये 20,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन है। पर इस बेस्ट स्मार्टफोन को आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। अगर गाइज इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, हम लोग जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर यार जो ओनर ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है 9X Pro, ये काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। 20,000 रुपये के अंदर इससे अच्छे स्पेक्स आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर हम हाईलाइटेड फीचर की बात करें तो वो है प्रोसेसर। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें किरिन 810 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि 7nm पे बेस्ड है। जिन लोगों को ऐसे नहीं पता NM क्या होता है, जितने कम NM पे प्रोसेसर बेस्ड होता है उतना अच्छा होता है। अभी तक 20,000 रुपये के अंदर हमें जितने भी प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं वो 10nm पे बेस्ड होते हैं और ये 7nm पे बेस्ड है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, साथ में हमें कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलती है, तो आपका फ़ोन जल्दी जल्दी गर्म नहीं होगा। अगर हम कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें, कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, 48 मेगापिक्सल, और पॉपअप सेल्फी आपको देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 15,000 रुपये में ये स्मार्टफोन आपको बहुत कुछ दे रहा है, आपसे पैसे बहुत कम ले रहा है और बहुत कुछ दे रहा है। पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो मैं आपको 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी 50 लाख रुपये में दे दूंगा, पर एक कंडीशन है मेरी कि मैं आपको इंजन प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो क्या आप उस गाड़ी को परचेज करोगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही कुछ इस फ़ोन के साथ है। मैं अभी एक पर्सनली स्मार्टफोन खरीदने वाला था, मैंने सोचा एक बार को कि ओनर 9X Pro खरीद लेता हूँ, पर फिर जब मैंने इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो देखा तो मैंने यहाँ पर अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसके अंदर हमें गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। इट्स लाइक अ कार विदाउट इंजन। मतलब गूगल प्ले सर्विसेज आपके पास नहीं है तो जैसे कि अभी आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप ये नहीं देख सकते। आपको यूट्यूब का ऐप नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, गूगल मैप्स नहीं मिलेंगे, गूगल क्रोम नहीं मिलेगा, उनका अपना ब्राउजर होगा, ब्राउजर के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब देखना है तो आपको www.youtube.com सर्च करना पड़ेगा, फिर आप वीडियोज देख पाओगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस है यार। मेरे लिए तो गूगल प्ले सर्विसेज काफ़ी बड़ा रोल जो है यहाँ पर प्ले करती हैं, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हो यूट्यूब पर तो यार ये आपके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट होगा कि आप बार बार ब्राउजर पे जाके जो है यूट्यूब खोलो। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं ओनर जब इतना बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया तो गूगल प्ले सर्विसेज भी दे सकती थी, पर यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, पर गूगल प्ले सर्विसेज काफ़ी जो है बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पर आपको हुवाई ऐप गैलरी देखने के लिए मिलती है जहाँ पर काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ ऐप्स हैं, मतलब कुछ ऐप्स आपको देखने के लिए नहीं भी मिलेंगे जैसे कि फेसबुक, तो उनको आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पे जा जाके डाउनलोड करो। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और ये जो हुवाई कंपनी है ना, ये तो मतलब वैसे ही बदनाम है। अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इन पर जो है केस था कि ये डेटा लीक करते हैं। ये सस्पेक्ट थे, प्रूफ नहीं हुआ था डेटा लीक करते हैं, फिर भी इनको बैन कर दिया गया। और यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज भी नहीं है। अगर फ़ोन के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज होती हैं तो हम थोड़ा सिक्योर महसूस करते हैं कि हाँ हमारा फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे से सिक्योर्ड है, उसमें सिक्योरिटी पैचेस भी आते हैं। पर यहाँ पर हमें किस तरीके के सिक्योरिटी पैचेस देखने के लिए मिलेंगे ये तो अब तक पता नहीं, और गूगल प्ले सर्विसेज नहीं है तो हल्का सा ऐसे डाउट तो होता है कहीं हमारा डेटा रिस्क पर तो नहीं है। इसलिए मैंने स्मार्टफोन यहाँ पर परचेज़ नहीं करा है। बाकी आपकी चॉइस है कि अगर आपके लिए प्ले स्टोर, यूट्यूब, ये सारी एप्लीकेशन कुछ मायने नहीं रखती हैं तो आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आप ले सकते हो। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ सकता है जब आपको बार बार जो है ऐप्स यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्मार्टफोन परचेज़ नहीं किया है। पर फिर भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, अगर आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है तो आप 2-3 ऐप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से खेलिए। 15,000 रुपये के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। तो इस स्मार्टफोन को जो है आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए। इतने वाली वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टैगी, स्टे कनेक्टेड। बाय द वे ओनर 9X Pro की जगह मैंने जो स्मार्टफोन परचेज किया है उसका रिव्यू भी चैनल पर आने वाला है।